आज की इस वीडियो में हम आपको आलिया भट्ट और नीतू कपूर की बिग फाइट के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले कंगना रनावत ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लेकर बहुत सी बातें की थी, लेकिन अब उनकी बातें सच लग रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत ने आलिया और रणबीर की शादी को फर्जी बताया था। उन्होंने दावा किया था कि रणबीर और आलिया ने एक फिल्म ट्रोपोलॉजी की वजह से शादी की थी। अब ये दोनों अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। अब रिसेंटली नीतू कपूर के एक पोस्ट से साफ पता चल रहा है कि कंगना ने जो बोला था वो सही था। जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि नीतू कपूर ने रिसेंटली अपना बर्थडे लंदन में सेलिब्रेट किया था। उन्होंने अपना बर्थडे बेटी रिधिमा कपूर के साथ सेलिब्रेट किया, तो वहीं उनके बेटे रणवीर कपूर ने भी लंदन पहुंचकर उनको बिग सरप्राइज़ दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आलिया उनके बर्थडे पर नज़र नहीं आई और ना ही उनके बर्थडे की कोई पोस्ट शेयर की है। नीतू कपूर और आलिया भट्ट के बीच डिफरेंसेस तो पहले दिन से ही चल रहे हैं। अब नीतू कपूर ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि आलिया और नीतू कपूर में काफ़ी डिफरेंस आ चुके हैं। नीतू कपूर ने शेयर किया है, अब हमारी फैमिलीज एक साथ नहीं हैं बिकॉज एक जैसी नहीं है। नीतू कपूर ने पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा हुआ है, द रीज़न वाई अवर फैमिलीज आर नॉट द सेम एनी मोर इज़ बिकॉज वी वरी द वंस हु यूज टू कीप द फैमिलीज टुगेदर। जैसे ही नीतू कपूर ने पिक्चर शेयर की, उनकी इस पिक्चर को काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या रणवीर और आलिया की शादी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं रणवीर और आलिया की शादी टूटने वाली तो नहीं है। वेल, आपको क्या लगता है नीतू कपूर की इस पोस्ट से, प्लीज़ हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और साथ ही ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।